आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 से। ये प्रॉब्लम भी लेबनीज थ्योरम पर ही बेस्ड है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप क्वेश्चन पर देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x आपको दिया हुआ है, ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और जो शो करना है उसमें देखिए 1 - x² yn + 2, 2n + 1 xyn + 1 n² yn, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसमें लेबनीज कैसे यूज करेंगे, ये थोड़ी सी चीजें हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो ये yn + 2 है इसका मीनिंग क्या है, यानी कि y को पहले जैसे दो बार डिफरेंशिएट कर लिया जाए, ठीक है, y2 तक निकाल लिया जाए, और इसके ऊपर हम फिर nth डिफरेंशियल अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा yn + 2, राइट। dn y2 को लिखा जाता है yn + 2। कुछ बातें और हम एक्सप्लेन करते हैं यहां पर। से मान लीजिए कि dn - 1 y2 होगा तो क्या करेंगे आप सोचेंगे, तो देखिए ये 2 है, ये n - 1 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा yn + 1, ठीक। या मान लीजिए कहीं आपके पास लिखा है n - 2 y2, तो इसका मतलब क्या होता है yn, याद रखिएगा। कहीं आपके पास लिखा हुआ dn - 1 और लिखा है y1, इसका मतलब भी yn होता है, क्योंकि n - 1 जब 1 से ऐड होगा तो n। अब ऐड होगा क्यों, इसका मतलब क्या है, देखिए y1 का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, और n - 1 का मतलब है कि dn - 1 का, कि आप उसको n - 1 times डिफरेंशिएशन करने और जा रहे हैं, तो एक बार पहले हो चुका है, n - 1 बार और करेंगे तो कुल मिलाकर कितने बार हो जाएगा, n बार हो जाएगा, तो ये yn हो गया। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं dn of y, ठीक। तो इस तरह से आपको समझना है। तो यहाँ जो आपके सिंबल यूज हो रहे हैं yn + 2 yn + 1, इनका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, एक बात। दूसरी बात कि लेबनीज से इन प्रॉब्लम्स को कैसे करना चाहिए यह हम बताते हैं, और एक जो ये एक्स्ट्रा शो करना ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे करना चाहिए, वो देखना ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो तीन तरह के आ रहे हैं आपके पास, कौन कौन से देखिए, yn + 2, और एक है yn + 1, और एक है yn। इसमें सबसे बड़ा है आपके पास yn + 2 वाला, ठीक। फिर है yn + 1 है, तो कहीं ना कहीं हमको इस y = sin x से एक इक्वेशन ऐसी बनानी चाहिए। बहुत ध्यान सुनिएगा हमारे शब्दों को, कैसे क्या करना चाहिए, हमें एक इक्वेशन ऐसी बनानी चाहिए जिसमें x हो, x² - 1 हो, या 1 - x² हो, y1 हो, y2 हो, ठीक है, या 1 - y² है। ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें साइन कॉस लॉग कुछ नहीं होना चाहिए, यानी एक ऐसी इक्वेशन हम लोग क्रिएट करेंगे जिसमें केवल या तो फंक्शन हो एक्स का, और या y1 हो y2 हो, इस टाइप से। y2 का होना बहुत जरूरी है, क्यों y2 का होना जरूरी है, क्यों, जब y2 आपके पास होगा तो जब उसको n बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर तो वो क्रिएट कर देगा yn + 2। तो अल्टीमेटली एक चीज यहाँ पर आपको ये समझनी है इन प्रॉब्लम्स में, जो पूरी एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे, कि एक इक्वेशन ऐसी डेवलप करिए फ्रॉम द गिवन फंक्शन y = sin x, कम से कम दो बार डिफरेंशिएट करके, जिसमें y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन बन जाए, और ये इलिमिनेट हो जाए, क्या साइन इनवर्स एक्स इलिमिनेट हो जाए, या कॉस हो या लॉग हो, इस तरह का कोई भी फंक्शन हो वो आपकी उस नई इक्वेशन में नहीं दिखना चाहिए, तब आपको लेबनीज लगाने में बड़ी आसानी होगी। ये सा कंसेप्ट है कि हाउ टू स्टार्ट द प्रॉब्लम, हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यूं कह सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, क्या सोचें हम लोग पहले। तो ये सोचने का तरीका है कि हम वो इक्वेशन बनाएं जिसमें y1 हो और सिर्फ y2 हो, या y1² हो, या 1 - y² हो, ये जो इनवर्स है ये सब चीजें हटा दीजिए, क्योंकि लेबनीज में जब ये लगाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और y2 होना बहुत जरूरी है क्योंकि yn + 2 लाना ही लाना है। तो करेंगे कैसे, 12th क्लास का कंसेप्ट है यहाँ पर, जो हमारे वीडियो लेक्चर 1 में भी दिया हुआ, अगर आप देखेंगे, ठीक। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग द गिवन विद रिस्पेक्ट टू x वी ऑब्टेन, एक बार डिफरेंशिएट किया ये आ गया आपका, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, अब ये एज ए फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये एज ए सेकंड फंक्शन हो गया। इक्वेशन 1 को दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए आप लोग, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन, और जब y1² का डिफरेंशियल किया जाएगा एक बार तो 2y1y2 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा 2n y2, पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, y1 की पावर 2 है इसलिए 2y1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y1, और फिर y1 का डिफरेंशियल जो होगा, y1 माने एक बार डेरिवेटिव हो चुका होगा,
वाई वन का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, तो वो बना देगा इसका वाई टू। तो वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई वन वाई टू, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन लिखा, फर्स्ट लिखा, सेकंड का किया, अब की बार फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा माइनस टू एक्स, और वाई वन स्क्वायर का जब करेंगे तो ये हो जाएगा, वाई वन स्क्वायर का डिफरेंशियल नहीं करेंगे बल्कि रख देंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा, वाई वन स्क्वायर को कॉपी कर देंगे इक्वल टू जीरो। अब देखिए टू से डिवाइड कर दीजिए, y1 से भी डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइडिंग बाई टू वाई वन, ये इक्वेशन आपकी बन गई इक्वेशन नंबर टू। ये आपको जितनी भी आगे की प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये बनाना है, याद रख लीजिए इक्वेशन नंबर टू तक हर प्रॉब्लम में आपको पहुंचना होगा, और इस तरीके से पहुंचना होगा कि उसमें साइन लॉग कॉस एक्सपोनेंशियल ये सब ना मिले आपको, क्या मिले, x मिले, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले, y1 मिले, y2 मिले, इस टाइप से मिले, तो ज्यादा आसानी रहेगी। अब इसमें हम लेबनीज लगाएंगे, और लेबनीज इसमें दो बार लगेगी, क्यों, क्योंकि देखिए इस यहां पर एक प्रोडक्ट बन रहा है, माइनस हटा दीजिए तो एक प्रोडक्ट और बन रहा है एक्स वाई वन का, क्लियर। तो अब जब लाइन नाउ डिफरेंशिएटिंग सेकंड n टाइम्स बाय अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम वी ऑब्टेन, अब इसमें लगाया n टाइम्स का और इसमें लगाया n टाइम्स का, ठीक, इक्वल टू जीरो नहीं लिखा, लगाते चले गए, बाद में जीरो लिखा यहाँ पर लाके, ठीक है। अब देखिए यहाँ शायद लगा भी दिया गया डायरेक्टली अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम, राइट का जो ये जीरो है वो बाद में लिख दिया गया। अब जब यहाँ लगाओगे तो ये यू रहेगा, ये वी रहेगा पहली बार, तो पहले यू लिखते हैं और वी का एन टाइम्स डिफरेंशियल करते हैं, पता है आपको फार्मूला, कल बताया गया था आपको ये, ठीक है, कि किस तरीके से किया जाता है, कहते एक बार और लिखते हैं यहाँ फार्मूला आपका, डी एन ऑफ यू वी कैसे कर रहे थे हम लोग कल, यू डी एन वी प्लस एन सी वन डी यू डी एन माइनस वन वी, फिर एन सी टू डी टू यू डी एन माइनस टू वी, ऐसे करते चले जा रहे थे, लास्ट में हमारे पास डी एन यू आ जाएगा, यू का एन टाइम्स हो जाएगा और वी फ्री हो जाएगा, वी फ्री हो जाता है विदाउट डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक। लेकिन इसमें इतना लंबा नहीं जाएंगे क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, दो बार का डिफरेंशियल के बाद वैनिश कर जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो देखिए एन सी वन और डी ऑफ यू, डी ऑफ यू डी एन माइनस वन ऑफ वी, वी का मतलब यहाँ पर वाई टू है, ध्यान रखिएगा यहाँ वी का मतलब है वाई टू से, वी की जगह पर वाई टू आ रहा है, ठीक। फिर एन सी टू डी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू हो गया और डी एन माइनस टू ऑफ वाई टू। अब देखिए चूंकि यहां पर डी स्क्वायर वन माइनस स्क्वायर आ चुका है, अब डी थ्री करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए स्टॉप राइटिंग हियर, मतलब यहां पर रुक जाएंगे हम लोग, पहले ब्रैकेट का पहला प्रोडक्ट जो था उसका एन डेरिवेटिव निकल आया इस वाले का। अब चलते दूसरे में डी एन ऑफ एक्स वाई वन का, ध्यान दीजिएगा जो मैं बहुत डार्क सर्किल कर रहा हूं, तो इसमें यू जो है एक्स है, यू इसमें एक्स है, वी इसमें जो है वो वाई वन है, ठीक। अब क्या करेंगे, u डी एन वाई वन, देखिए फॉर्मूला डी यू डी एन वाई वन प्लस एन सी वन डी एक्स और डी एन माइनस वन वाई वन, डी एन माइनस वन वी आता है। अब आगे नहीं करेंगे इसमें, डी एक्स का हो जाएगा वन, तो डी टू एक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पर जीरो लिख देंगे, ठीक। अब बहुत आसान है, कुल मिलाकर फाइव टर्म्स है आपके पास, पांच टर्म है, पहले ब्रैकेट में तीन है, एक दो तीन, और दूसरे वाले में दो है, फाइव टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है। फाइव में पहले में तीन चल रहे हैं ये वाले, और बाद में दो चल रहे हैं। देखिए सिंपलीफाई करिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ चली, देखिए ये लाइन यहाँ लिखी, मैं यहाँ एरो बना रहा हूँ, ये लाइन यहाँ लिखी है, वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एन वाई टू का मतलब कितना होता है, मैंने आपको बताया वाई एन प्लस टू। फिर एन सी वन की वैल्यू एन रख दी, और ये देखिए डी ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, एरो लगा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, माइनस टू एक्स आ गया, ठीक। और डी एन माइनस वन, ये देखिए एरो लगा रहे हैं यहाँ पर, वाई एन प्लस वन बना देगा इसका, ठीक, ये वाई एन प्लस वन आ जाएगा आपका, राइट, क्योंकि डी एन माइनस वन वाई टू को लिख सकते हैं वाई एन प्लस वन, ठीक। और ये तीसरा यहाँ रहा एन सी टू, एन सी टू का ये आ गया आपके पास, डी स्क्वायर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आ गया माइनस टू एक्स, क्योंकि जब आप डी स्क्वायर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो माइनस टू आ जाएगा, और डी एन माइनस टू वाई टू यहाँ डार्क किया, वो वाई एन बना देगा आपका, क्योंकि डी एन माइनस टू है ना, डी एन माइनस टू वाई एन बराबर कितना हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा, क्लियर।
ये वैल्यू है। अभी पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन हो गया, दूसरे में आइए x dn yn, तो x और dn yn हो गया yn plus 1 plus nc1 का n आ गया और dn minus 1 y1 का dn। ठीक, अब क्या करिए yn plus 2 वाला एक जगह रख लीजिए, yn plus 1 के दो हैं, पहले ब्रैकेट में यहां भी है और दूसरे में पहले ब्रैकेट में है। ठीक, तो yn plus 1 की ग्रुपिंग कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अभी शायद कॉमन नहीं लिया, मुझे लग रहा है यहाँ सिंप्लीफाई किया ना, अभी कॉमन नहीं लिया, अगली लाइन में लिया, अभी तो केवल मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अभी यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लाई करके रखा माइनस टू एक्स एन वाई वन, ठीक है, अभी नहीं लिया और इसको मल्टीप्लाई करके रख लिया और ये लास्ट वाला पूरा कॉपी कर दिया, अभी कॉमन नहीं लिया, अब लेंगे कॉमन, पहला पहले है और ये दो नंबर वाला टर्म जो है और ये जो आपके पास एक दो तीन चार छः, अभी सिक्स टर्म्स बन गए खुल करके, तो दूसरा और ये जो पांचवा है, देख रहे हैं दूसरे और पांचवें के बीच में कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये वाई एन वाले हैं आपके पास, तो ये कट जाएगा आपका, मुझे लगा चौथा वाला, ये जो फोर्थ वाला दिख रहा है और जो सिक्स वाला है तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसको मैंने रेड कलर से बहुत डार्क कर दिया, देख रहे हैं आप ये, इसको अगर देखें एक बार तो ये मैं ब्लू से भी कर दे रहा हूँ, ये वाला कैंसिल हो जा रहा है आपके पास। ठीक है, और ये जो एन स्क्वायर वाई एन है, एन स्क्वायर वाई एन ही आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये पूरा आपका आंसर एक, एक पार्ट आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब दूसरे पार्ट के लिए मैं देख लेते हैं, देखिए आपसे कहा गया हेंस आल्सो शो दैट दिस, यानी वाई एन प्लस टू को आपको डिवाइड करना है किससे, वाई एन से, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए वाई एन से, तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई इक्वेशन वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन, क्यों वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन से क्यों कर रहे हैं, देखो आपको जो प्रूफ करना है वो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, x tends to 0, y n plus 2 upon y n, ठीक है, upon y n, जो भी प्रूफ करना हो, तो y n plus 2 है और upon में y n है, इन दोनों का कोफिशियंट 1 1 ही कहा जाएगा, तो यहां पर आपके पास है 1 minus x square y n plus 2, तो 1 minus x square हटाना है, y n plus 2 के डिनोमिनेटर में y n लाना है, समझ रहे हैं, 1 minus x square को तो eliminate कर देना है, लेकिन y n को इसके डिनोमिनेटर में लाना है, तो जब yn को इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे तो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका पहला टर्म तो ये बन जाएगा, दूसरा x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर yn प्लस हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ, डिवीजन कराए केवल, अब लिमिट लगा दो x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये टर्म आ जाएगा आपके पास पूरा और तीसरा ये आ जाएगा, जब आप x 0 पुट करेंगे यहां पर तो ये वाला टर्म कट करके यानी 0 हो जाएगा पूरा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जब यहां जीरो पुट करेंगे तो ये वन हो जाएगा, यानी एन स्क्वायर बचेगा और ये पहला टर्म तो अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा, यानी इज इक्वल टू एन स्क्वायर आ जाएगा, तो आपको क्या प्रूफ करना था, शायद एन स्क्वायर ही तो प्रूफ करना था, तो ये एन स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, तो क्यों डिवाइड किया हमने वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन से, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वाई एन प्लस टू के कोफिशियंट को वन करना है, उसको फ्री करना है उससे, और डिनोमिनेटर में एन वाई एन हमें क्रिएट करना है, तो हमारे दोनों रिजल्ट इस तरीके से आ जाएंगे, तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, एक्सरसाइज 6B है आप देख रहे हैं, और इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 ले लेते हैं, ये वाला वाई इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, और ये शो करना है पूरा हम लोगों को, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स टाइम्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन। ठीक, तो देखिए मैं यहां करता हूं ये प्रॉब्लम आपके लिए, अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और इसमें है y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x टू शो, शो क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स टाइम्स वाई एन प्लस वन, और एक ब्रैकेट में है एन स्क्वायर प्लस वाई एन इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है इसमें। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हमने यही बताया था आपको कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन, उसको लिख लेंगे y इक्वल टू a cos log x
प्लस बी साइन लॉग एक्स, राइट। इसको इक्वेशन वन मान लिया आपने। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्लियर, क्या आएगा आपके पास, फाइव वन इज इक्वल टू, पहले कॉस का करेंगे तो माइनस ए, ए तो रहेगा कोफिशियंट के तौर पे, साइन ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा, ये वन अपॉन एक्स हो जाएगा, क्यों लॉग एक्स का भी तो करेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन है ना, तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा। प्लस बी कॉस लॉग एक्स, साइन का डिफरेंशियल कॉस हो जाएगा, फिर लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए काम करते हैं, अभी वाई वन यहाँ यह आ गया है लेकिन वाई इंसर्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो थोड़ा सा यहाँ चेंज करते हैं, एक्स वाई वन इज एक्स को मतलब एलसीएम ले लिया, कहिए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया थोड़ा आपने, तो माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है, अभी इतना आया। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू मान लीजिए, अगर इसको आप तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, वी गेट, अब क्या मिलेंगे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इधर तो बाई पार्ट वो लग जाएगा ना, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एंड सेकंड, तो जैसे आपने फर्स्ट लिखा सेकंड किया तो वाई टू आ जाएगा, वाई वन का डिफरेंशियल प्लस एक्स का डिफरेंशियल वन हो जाएगा, ये वाई वन हो जाएगा। इधर आइए राइट में, तो ए कॉस, ठीक, और ये लॉग एक्स, देख रहे ना वाई वन वाई टू में इक्वेशन बना रहे हैं हमने, अब ये कंसेप्ट बताया था आपको कि वाई वन वाई टू की एक इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, माइनस ए लॉग एक्स, ठीक है, और माइनस बी तो क्योंकि कॉस का माइनस में होता है डिफरेंशियल, साइन लॉग एक्स और वन अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक। एक बात इसमें देखिए बहुत अच्छी है कि अगर हम x से फिर थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, x हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, और माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, a cos log x प्लस b sin log x, ठीक है। अब अगर आप इसको देखिए a cos log x प्लस b sin log x, तो क्या ये आपको इक्वेशन नंबर वन नहीं लग रही है, क्वेश्चन नंबर वन जो कि वाई है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई फ्रॉम वन, देखा आपने वही क्वेश्चन आ गई, यानी इम्प्लाइज किया कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन नंबर थ्री तैयार हो गई आपकी। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये कनेक्टिविटी आपको तैयार ही करनी है, वाई वाई वन वाई टू या एक्स में, ठीक, जो क्वेश्चन में लॉग कॉस साइन होगा वो सब इलिमिनेट हो जाएगा, हो ही जाएगा, जितनी प्रॉब्लम्स है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक। अब इसमें हम लोग लेबनीज़ थ्योरम लगाएंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थ्री एन टाइम्स बाय लेबनीज़ थ्योरम, ठीक, वी हैव अब n टाइम्स डिफरेंशिएट करो, तो d x स्क्वायर y2 प्लस dn x y, देखिए सब में लगेगा dn क्योंकि एक्चुअली ये ऑपरेटर है dn हमारा, सब में लगा देंगे ना, dn में n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे प्लस dn y इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज भी लिख सकते हैं ये, यहां पर और भी लिख सकते हैं आप, ठीक, इंप्लाइज ये और दोनों कर सकते हैं, तो जब यहां पर आप करेंगे तो देखिए क्या आएगा, अभी फॉर्मूला पीछे पता है आपको, u आएगा तो x square as a u हो जाएगा, dn y2 हो जाएगा प्लस n c1 d of x square हो जाएगा, dn minus 1 y2 हो जाएगा आपके पास, ठीक, एक और आपके पास आएगा n c2, क्योंकि अभी x square को हम दो बार तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो d square x square और dn minus 2 और ये y2 हो जाएगा, क्लियर, ये हमने इसका लिखा है, प्लस अब दूसरे वाले का लिखते हैं, मतलब इसको 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए, इसको 3 मान लिया, तीन वाले लैबनिस लगानी है आपको, ठीक है। तो अब दूसरे वाले का जब करेंगे हम लोग नंबर 2 का, तो फिर x dn of y1 प्लस
एन सी वन और डी एक्स और डी एन माइनस वन और वाई वन, ये खत्म हो जाएगा यहीं पर। ठीक, और डी एन वाई तो कुछ भी नहीं है, यानी वाई एन है, नथिंग, जस्ट वाई एन इज इक्वल टू जीरो। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जब आप करेंगे तो बस अब सिर्फ आपको सिंबोलिक वैल्यूज रखना है, डिफ्रेंसिएशन करना, जैसे एक्स स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा वाई एन प्लस टू, समझ रहे हैं? ठीक, प्लस ये एन आ जाएगा और डी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, और ये वाई एन प्लस वन हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा वाई एन प्लस वन हो जाएगा, प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और ये आपके पास टू आएगा, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कितना आएगा टू आ जाएगा, क्लियर? और उसके बगल में है आपके डी एन माइनस टू ऑफ वाई टू, तो ये आपका वाई एन बन जाएगा। ठीक, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग इसके लिए सेकेंड वाले के। ठीक, तो इसमें हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन और डी एक्स कितना हो जाएगा इंटू वन, और ये हो जाएगा आपके पास वाई एन, क्लियर? वाई एन आ जाएगा ये, और प्लस वाई एन तो ऑलरेडी था इज इक्वल टू जीरो, राइट? यानी कि अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस, अब देखिए ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, राइट? ये हो जाएगा एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन, ठीक, प्लस एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन, और ये वाई एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट? अब देखिए ये एन वाई एन और ये एन वाई एन आपका जो दिख रहा है वो स्क्रीन पे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। ठीक, तो आपके पास जो बचेगा वाई एन प्लस वन के दो हैं आपके पास, ये पहला, तो ये आप यहाँ लिख ही दोगे एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, इसमें आप वाई एन प्लस वन कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो अंदर क्या, और x भी कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो अंदर रह जाएगा 2n प्लस 1 कॉमन आप जो है राइट में लेंगे इधर x y n प्लस 1, राइट? प्लस देखिए ये y n और ये y n है, ये n स्क्वायर y n है, ये y n है, तो आपके पास रह जाएगा n स्क्वायर प्लस y n इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक यही तो प्रूफ करना था, आप ऊपर देख लीजिए, यही प्रूफ करना था आपको, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन, यही रिजल्ट आपका नीचे आ गया है। ठीक, तो आप इस वीडियो को केयरफुली देखिए और चीजें समझिए स्टेप बाय स्टेप, ऑल द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व वेरी इजिली। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा।